सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है महिला सुरक्षा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। सरकारों के तमाम दावों के बावजूद महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध थम नहीं रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप और फिर हत्या का मामला सामने आया है। इस पूरी घटना में सच्चाई क्या है, कौन दोषी है, यह सब तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से उन तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया जिसमें कहा जाता था कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। इस बारे में आंकड़े क्या कहते हैं? महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज मामलों में हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाना आदि शामिल हैं। इसके अलावा महिलाएं एसिड हमले, क्रूरता, हिंसा और अपहरण जैसे दूसरे अपराधों की भी शिकार होती हैं। एनसीआरबी द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में भारत में रोजाना दुष्कर्म के औसतन 87 मामले सामने आए। रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के 405,861 मामले दर्ज किए गए। अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के मामलों में राजस्थान 554 मामलों के साथ शीर्ष पर है, जबकि 537 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में दर्ज हुए, जबकि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इस मामले में क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे। महिलाओं के साथ हुए अपराधों में 2018 के मुकाबले 2019 में 7.3% का इजाफा हुआ। साइबर अपराधों में 2019 में 63% की बढ़ोतरी हुई। 2019 में धोखाधड़ी के इरादे से दर्ज साइबर अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा थी, जबकि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के इरादे से दर्ज मामलों की तादाद तकरीबन 5.1% के आसपास थी। महिला सुरक्षा से जुड़े कौन कौन से कानून मौजूद हैं? महिला सुरक्षा को लेकर संसद समेत तमाम राज्य सरकारों ने कई कानून बना रखे हैं। इसके अलावा इन सरकारों द्वारा तमाम दूसरी तरह की महिला कल्याण योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इन कानूनों में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 शामिल हैं। इसके अलावा सती रोकथाम अधिनियम 1987, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 जैसे दूसरे कानून भी महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए मौजूद हैं। इन तमाम कानूनों के उपलब्ध होने के बावजूद सवाल यह उठता है कि अभी भी यह अपराध क्यों हो रहे हैं? भारत में बीते एक दशक में बलात्कार के जितने भी मामले दर्ज हुए हैं उनमें केवल 12-20% मामलों की सुनवाई पूरी हो पाई। बलात्कार के दर्ज मामलों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन सजा के दर नहीं बढ़ रही है। दुष्कर्म और फिर हत्या के मामलों में न्याय में देरी होने के कारण ही गुनहगारों में सजा का भय खत्म होता जा रहा है। इसके अलावा दुनिया भर के समाजशास्त्री, राजनेता, कानूनविद और प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं कि पोर्नोग्राफी बढ़ते यौन अपराधों का एक बड़ा कारण है। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे डाटा का 80% उपयोग मनोरंजन व अश्लील सामग्री देखने में हो रहा है, जबकि इसे सूचनात्मक ज्ञान बढ़ाने का आधार बताया गया था। साथ ही पुरुषवादी मानसिकता महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के पीछे बड़ा कारण है। देश भर में कम उम्र के लड़कों को आक्रामक और प्रभावशाली व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA का कहना है कि किस तरह ऐसी जहरीली मर्दानगी की भावनाएं युवाओं के जहन में बहुत छोटी उम्र से ही बैठा दी जाती है। उन्हें ऐसी सामाजिक व्यवस्था का आदि बनाया जाता है जहां पुरुष ताकतवर और नियंत्रण रखने वाला होता है, और उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि लड़कियों
और महिलाओं के प्रति प्रभुत्व का व्यवहार करना ही उनकी मर्दानगी है। इन तमाम कारणों के अलावा जो सबसे बड़ा कारण महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए उत्तरदायी है वह है प्रशासनिक उदासीनता। निर्भया कोष के आवंटन के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक आवंटित धनराशि में से 11 राज्यों ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं के लिए 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महिला हेल्पलाइन वन स्टॉप सेंटर स्कीम सहित तमाम योजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया था। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली और गोवा जैसे राज्यों को महिला हेल्पलाइन के लिए दिए गए पैसे जस के तस पड़े हैं। वन स्टॉप स्कीम के तहत बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल ने एक पैसा भी नहीं खर्च किया। आगे क्या किया जा सकता है? हालांकि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम कानून बना रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे सुझाव हैं जो अमल में लाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3E पर सबसे ज्यादा जोर दिए जाने की जरूरत है। इसमें पहला ई है लड़कों को लैंगिक बराबरी के बारे में शिक्षा, यानी एजुकेटिंग बॉयज ऑन जेंडर इक्वालिटी। दूसरा, लड़कियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, यानी एम्पावरिंग गर्ल्स बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली। और तीसरा, उन कानूनों का पालन किया जाना जो मौजूद है पर इस्तेमाल में नहीं लाए जाते, यानी एनफोर्सिंग द लॉज दैट एग्जिस्ट एंड आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए कि मोबाइल कंपनियां सभी मोबाइल फोन में अब पैनिक बटन अनिवार्य करें, ताकि महिलाएं इस बटन को दबाकर तुरंत मदद मांग सकें। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि सही समय पर उन तक मदद पहुंचे। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्य यह व्यवस्था पहले ही शुरू कर चुके हैं। सरकार हर शहर में ऐसे स्थानों की पहचान करे जहां अपराध ज्यादा होते हैं। इन स्थानों पर CCTV की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। प्रत्येक शहरों में स्वचालित नंबर प्लेट रीडिंग यानी ANPR और ड्रोन आधारित निगरानी भी करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा गश्त बढ़ाई जानी चाहिए। हर पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क की स्थापना की जाए, इस पर एक प्रशिक्षित काउंसलर की सुविधा भी उपलब्ध हो। फिलहाल जो आशा ज्योति केंद्र या भरोसा केंद्र चल रहे हैं उनमें विस्तार किया जाना चाहिए। महिला सुरक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम कराया जाए। प्रत्येक ऑफिस में एक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति बनाना उस ऑफिस के मालिक का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक दिशा निर्देश के मुताबिक यह भी जरूरी है कि समिति का नेतृत्व एक महिला करे और सदस्यों के तौर पर उसमें 50% महिलाएं ही शामिल हों। सच कहें तो महिला सुरक्षा के लिए खुद महिला को भी सक्षम होना होगा। उसे हिम्मत, वीरता और साहस जैसे गुणों को अपना आभूषण बनाना होगा। बलात्कार की घटनाओं में कुछ हद तक कमी धीरे धीरे लाई जा सकती है यदि हम महिला सशक्तिकरण के साथ साथ पुरुष मानवीकरण के लक्ष्य को भी सामने रखें। घर में पिता, पत्नी और बेटी का, बेटा, माँ और बहन का सम्मान करें। बाहर किसी भी स्त्री को कोई भी पुरुष इंसान की तरह मानकर सम्मान करें। उसके साथ वैसा ही रवैया रखें जैसा एक इंसान के साथ रखा जाना चाहिए। शायद यह महिलाओं को देवतुल्य बताने से ज्यादा बेहतर होगा।